अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ ब्रिजेस के बारे में कि व्हाट इज़ अ ब्रिज, ब्रिज क्या होता है और उसके मेन पार्ट्स क्या हैं और उसकी टाइप्स के बारे में ये तफसील से बात करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो लाजमी पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने टॉप पर हेडिंग दे रखी है कि व्हाट इज़ अ ब्रिज एंड इट्स मेन पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। अब इसमें सबसे पहले हम ब्रिज की जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या कहता है कि अ स्ट्रक्चर कैरिंग अ लोड, पाथ, रेलवे एक्सेट्रा अक्रॉस अ रिवर, रोड आर अदर ऑब्स्टेकल। यानी कि रिवर, रोड या क्यों एक से दूसरी साइड पे अगर रिवर क्रॉस करना हो, कोई दरिया आपके पास वो क्रॉस करना हो, या कोई रोड है उसको ऊपर से क्रॉस करना हो, कोई भी आप जो है रोड बना दें, कोई रास्ता बना दें, कोई रेलवे ट्रैक बना दें, तो वो हमारे पास क्या होती है ऊपर से जो गुजरने वाली, वो हमारे पास होती है ब्रिज होती है, उसको हम ब्रिज कहते हैं। अब इसकी मेन पार्ट्स के बारे में इसके बात कर लेते हैं। तो मेन पार्ट्स में हमें क्या कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्रिजेस टाइप्स कंटेन डिफरेंट पार्ट्स फॉलोइंग आर दी मेन पार्ट्स ऑफ दी ब्रिजेस। वो कह रहा है कि हर जो ब्रिज के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और फॉलोइंग जो हैं जो नीचे दिए गए हैं वो मेन पार्ट्स हैं तमाम ब्रिजेस के, हर किस्म के, जिनमें हमारे पास आता है पहले नंबर पर डेक, फिर अबटमेंट, पाइल, गार्डर और रेल ट्रैक। ठीक है, अब ये हमारे पास मेन पार्ट, इनको अब मैं मजीद डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले नंबर पर हमारे पास आता है डेक। अब डेक में क्या कहते हैं कि डेक इज अ सरफेस ऑफ अ ब्रिज, ये सरफेस होती है, सतह होती है ब्रिज के, टू पास व्हीकल, गुड्स, पीपल एक्सेट्रा फ्रॉम वन साइड टू अनदर। यानी कि ये जो है ये सरफेस होती है ब्रिज की, जिसके जरिए हम जो है कोई भी चीज़, कोई व्हीकल हो गई, कोई भी सामान हो गया, या कोई इंसान का गुजर बजर हो जाए, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड गुजरना हो, तो हम जो है उस सतह को क्या कहते हैं, उस सतह को हम, उस सरफेस को हम डेक कहते हैं। तो इसकी तस्वीर भी आगे देख लें यहाँ पे कि अब इसमें ये जो अब कार, जहाँ पे ये कार आ रही है, यहाँ से कार जा रही है, ये जो रोड बनी हुई है, इसको हम, ये सारा डेक कहलाता है हमारे पास। अब यहाँ पे ये पाथवे है साइड पे, इसके ऊपर जो है इंसान गुजर कर जा सकता है एक साइड से, यानी कि ये रिवर क्रॉस करता है, तो ये हमारे पास इस तरह क्या कहलाता है, इसको हम फिर कहेंगे डेक, यानी कि ये हमारे पास डेक है। अब नेक्स्ट क्या, अबटमेंट। अब अबटमेंट में क्या कहता है कि इन इंजीनियरिंग अबटमेंट रेफर्स टू अ सबस्ट्रक्चर एट द एंड्स ऑफ अ ब्रिज स्पैन आर डैम वेयर ऑन द स्ट्रक्चर्स सुपर स्ट्रक्चर रेस्ट आर कॉन्टैक्ट्स। यानी कि वो कह रहा है कि इंजीनियरिंग में अबटमेंट जो है वो सबस्ट्रक्चर रेफर करता है एट द एंड ऑफ अ ब्रिज, यानी कि ब्रिज के एंड पे, स्पैन के एंड पे, यानी कि कोई भी डैम या ब्रिज बना उसके एंड पे, यानी कि उसका स्टार्ट जहाँ से हो रहा था और दूसरा एंड, एक एंड दूसरा एंड, दोनों एंड जो होते हैं वहाँ पे, और स्ट्रक्चर का तमाम वजन जो है उनके ऊपर जो है मिलता है, या कह लेंगे स्ट्रक्चर जो है उनके ऊपर रख दिया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अबटमेंट कहते हैं। तो इसकी शेप क्या है हमारे पास, इसकी शेप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी शेप है, इसमें ये हमारे पास जो है ब्रिज बना हुआ है, जहाँ पे आके ये एंड हो रहा है, तो ये जो एंड पे ये जो वाल बनाई जाती है ना, ये हमारे पास अबटमेंट होती है, यानी कि ब्रिज को अबटमेंट के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल इसको इस तरह समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये था अबटमेंट। थर्ड नंबर पे हमारे पास पाइल। तो पाइल में कहता है कि अ पाइल ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर दैट यूजेस फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग पोल्स। यानी कि वो लंबे जो पोल्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं फाउंडेशन के तौर पे। आगे कहता है कि विच आर मेड ऑफ वुड, जो वुड के बने होते हैं, कंक्रीट आर स्टील, कंक्रीट या स्टील के, एंड विच आर हैमर्ड इनटू सॉफ्ट सॉइल बीनीथ द ब्रिज अंटिल द एंड ऑफ द पाइल रीचेस अ हार्ड लेयर ऑफ अ कंपैक्टेड सॉइल आर रॉक। अब वो कहता है कि पाइल ब्रिज में क्या होता है कि वैसा स्ट्रक्चर है जिसमें फाउंडेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बड़े बड़े पोल्स होते हैं, लंबे पोल होते हैं। अब उनको पानी के अंदर कहाँ तक लेके जाया जाता है, जहाँ तक सख्त चट्टान ना आ जाए, सख्त पहाड़ी या सख्त जगह ना आ जाए, वहाँ तक हम जो है उनको नीचे डीप जो है लेके जाते हैं, चाहे वो फिर जितनी लॉन्ग हो जाए, तो वो हमारे पास पाइल कहलाती है। वो जो पोल्स होते हैं हम उनको पाइल कहलाते हैं, वो पोल्स पे जो मुश्तमिल जो भी ब्रिजेज होते हैं उनको हम उसमें हम पाइल उनको कहते हैं। तो ये हमारे पास था पाइल, और इसके आप जो आगे फोटो में भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मरवा ब्रिज के नीचे देखें पाइल लगी हुई है, इस ब्रिज में नीचे ये देखें जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह बाद इसमें पाइल्स लगी हुई हैं, तो ये हमारे पास पाइल होती है। अब आगे है पायर। पायर क्या होता है कि
पायर ब्रिज सपोर्ट द स्पैन ऑफ द ब्रिज एंड ट्रांसफर द लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर थ्रू फाउंडेशन, यानी कि वो स्पैन जो है वो उसको सपोर्ट करती है ब्रिज के. पायर शुड बी स्ट्रांग इनफ टू टेक द बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड्स, यानी कि वो दोनों लोड्स ले सके. अब नेक्स्ट कहता है कि पायर परफॉर्म टू मेन फंक्शंस. पहला फंक्शन हमारे पास क्या है कि ट्रांसफरिंग सुपरस्ट्रक्चर वर्टिकल लोड्स टू द फाउंडेशन, फिर रेजिस्टिंग टू द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्रिज. अब इसमें तमाम में वो क्या कह रहा है कि ब्रिज का जो पायर होता है वो स्पैन को सपोर्ट करता है, जो मुकम्मल स्पैन होता है ब्रिज का उसको सपोर्ट करता है एंड ट्रांसफर द लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर टू फाउंडेशन, और सुपरस्ट्रक्चर का सारा लोड जो है वो फाउंडेशन पे ट्रांसफर कर देता है. पायर शुड बी स्ट्रांग इनफ, और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो दोनों लोड सपोर्ट कर सके, यानी कि एक जो है वर्टिकल लोड्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल लोड्स आते हैं और एक जो हमारे पास ऊपर से वर्टिकल लोड्स आ रहे हैं वो दोनों ट्रांसफर कर सके. और उसके दो मेन फंक्शन यही हैं कि ट्रांसफरिंग सुपरस्ट्रक्चर वर्टिकल लोड्स जो होते हैं वो फाउंडेशन पे, और फिर हॉरिजॉन्टल लोड, यही दो मेन फंक्शन वो आपको आगे बता भी रहा है. इसकी आगे पिक्चर में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है लगी हुई है, इसको हम कहते होते हैं पायर. तो ये हमारे पास पायर लगी हुई है. अब ये हमारे पास पायर हो. नेक्स्ट है गार्डर. अब गार्डर में क्या कहता है कि अ गार्डर ब्रिज इज अ ब्रिज दैट यूजेस गार्डर्स एज द मीन ऑफ सपोर्टिंग इट डेक्स इट्स डेक, यानी कि अब डेक को सपोर्ट करने के लिए अगर गार्डर हम इस्तेमाल करें तो वो हमारे पास गार्डर ब्रिज होता है. द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मॉडर्न स्टील गार्डर ब्रिज आर प्लेट एंड स्टील. तो अब इसमें हमारे पास आगे पिक्चर में भी आप देख लें कि यहाँ पे नीचे जो है इनको गार्डर्स के जरिए सपोर्ट किया गया है, तो ऐसे ब्रिज को. और ब्रिज सिर्फ डेक को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहते, जो साइड पे भी गार्डर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी गार्डर्स ही कहलाते हैं. तो गार्डर्स ये होते हैं जो कि मेन पार्ट्स में भी शामिल होते हैं. अब इसके बाद क्या है, अब आता है रेल ट्रैक. रेल ट्रैक, अब नॉर्मली रोड ट्रैफिक इज द मेन व्हीकल ऑन टू द ब्रिज, बट इफ द ट्रेन नीड्स टू बी पास्ड थ्रू दैट ब्रिज रेल ट्रैक इज द एक्स्ट्रा कंपोनेंट. तो रेल ट्रैक हमारे पास वो होती है जो हम ट्रेन जो है अगर किसी ब्रिज के जरिए ब्रिज बनाते हैं ट्रेन के लिए, तो उसके ऊपर जो रेल लगाते हैं वो हमारे पास रेल ट्रैक होती है. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक ब्रिज बना हुआ है जो कि रेलवे के लिए है, यहाँ पे ट्रेन के लिए है, इसमें ट्रेन जा सकती है सिर्फ, और इसमें जो है मोटर बाइक मोटरसाइकिल वगैरह नहीं जा सकता. तो ये हमारे पास रेल ट्रैक है. अब हमारे पास हो गए मेन पार्ट्स. अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, अब टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. तो हमारे पास वो कहते हैं फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, जिसमें हमारे पास ट्रस ब्रिज, आर्च ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिज, केबल स्टेट, स्लैब ब्रिजेस एंड बॉक्स गर्डर ब्रिजेस. अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. पहले नंबर पे हमारे पास है ट्रस ब्रिज. इसमें कहता है कि ब्रिजेस विद ट्रस आर मेड बाय स्टील टू फोर्स मेंबर विद ओनली टेंशन एंड कंप्रेशन, नो बेंडिंग मूवमेंट इज अलाउड इन दिस स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चरल शेप फॉर दिस ट्रस इज ट्रायंगुलर. अब वो कहता है कि यहाँ पे ब्रिजेस जो हैं ट्रस ब्रिजेस विद ट्रस आर मेड बाय स्टील, यानी कि वो स्टील के बनाए जाते हैं जिसमें दो फोर्सेस जो होती हैं सिर्फ टेंशन और कंप्रेशन होती है, इसमें कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं अलाउ की जाती है, और इसमें मोस्ट जो स्टेबल स्ट्रक्चर के जो शेप होती है वो होती है ट्राइंगल जैसे, ट्राइंगुलर जैसे, ठीक है. इसमें अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पिक्चर में कि ये हमारे पास ट्रस ब्रिज है. अब इसमें देखें कि ये ट्राइंगल्स बनी हुई है, ये ट्राइंगल टाइप बनी हुई है, ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल यानी कि ज़्यादा देर चलने वाला ब्रिज है अगर आप इसमें ट्राइंगल की तरह इनके जो है ट्रसेस लगाते हैं. अब नेक्स्ट है आर्च ब्रिज. अब कहता है कि एन आर्च ब्रिज इज अ ब्रिज विद अबटमेंट्स एट ईच एंड, यानी कि ईच एंड पे अबटमेंट्स हैं, शेप्ड एज अ कर्व्ड आर्च, और इसकी शेप जो है कर्व्ड आर्च जैसी है. आर्च ब्रिज इज वर्क बाय ट्रांसफरिंग द वेट ऑफ द ब्रिज एंड इट्स लोड्स पार्शली इन टू अ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट रेस्ट्रेंड बाय द अबटमेंट्स एट ईदर साइड. अब इसमें वो कहता है कि इन आर्च ऐसा ब्रिज है जिसकी शेप जो है बिल्कुल आर्च जैसी होती है, और इसका जो लोड है वो आर्च के एंड पे जो अबटमेंट्स बनी हुई हैं उनका जरिए ज़मीन पर मुंतकल किया जाता है और पार्शली होता है, यानी कि ये जो हमारे पास अब ब्रिज है इसका जो लोड है वो आधा इस पे जाएगा और आधा इधर जो पीछे बनी हुई है उस पे जाएगा, यानी कि ये जो है अब इसका आधा इस साइड पे आ जाएगा और आधा नेक्स्ट वाली पे चला जाएगा, यानी कि पार्शली आधा आधा करके वो आधा इधर और आधा दूसरे अबटमेंट पे डाल देते हैं. अब आ गया सस्पेंशन ब्रिज. तो सस्पेंशन ब्रिज भी काफ़ी क्वेश्चन आता होता है इसके बारे में भी. ब्रिज इन विच द वेट ऑफ द डेक इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल केबल्स सस्पेंडेड फ्रॉम फर्दर केबल्स दैट रन बिटवीन टावर्स एंड आर एंकर्ड इन अबटमेंट एट ईच अदर. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि
जो तमाम जो इसका वजन है, इसके ऊपर लोड आता है वजन, वो इनके जो वर्टिकल, यहाँ पे ये जो वर्टिकल केबल्स लगी हुई है देखें अगर आप, इनके जरिए इन केबल्स पर आता है, ये जो आगे ऊपर हॉरिजॉन्टल ये जो लगी हुई है इन पे आता है, और इनके ये जो है आगे अबटमेंट से जुड़ी होती हैं, यानी कि ये पोल्स से टावर से होती हुई आगे अबटमेंट्स पे चली जाती हैं। तो सारा लोड जो ब्रिज का वो आया पहले वर्टिकल कॉलम्स पे और वर्टिकल केबल्स पे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल केबल्स पे, और हॉरिजॉन्टल केबल्स ने आगे टावर पे भेज दिया, टावर से भी ये नीचे चला गया, उसके अलावा ये आगे जो अपार्टमेंट से जुड़े होते हैं वहां से भी नीचे लोड ट्रांसफर जमीन पर कर दिया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है केबल स्टेड ब्रिज। अब केबल स्टेड ब्रिज में कहता है कि केबल स्टेड ब्रिज हैज वन और मोर टावर्स, एक या एक से ज्यादा टावर्स होते हैं, या इनको आप पाइलॉन्स भी कह सकते हैं, फ्रॉम विच केबल्स सपोर्ट द ब्रिज डेक। अब ब्रिज का डेक जो है वहां से सपोर्ट किया जाता है। अगर आप पिक्चर में देखें तो हमारे पास ये जो है, अब इसमें दो पोल्स लगे हुए हैं, वो उन्होंने बताया वन या टू, अब एक भी इस्तेमाल हो सकता है, अब इसमें दो इस्तेमाल किए गए हैं। अब इनकी ये जो केबल्स लगी हुई हैं देखें तो ये केबल्स जो हैं अबटमेंट के डेक को सपोर्ट कर रही हैं, इनके इनको वजन सारा जो है इन पर इन केबल्स के जरिए इन पोल्स पर आ रहा है, और पोल्स के जरिए आगे जमीन पर जा रहा है। ठीक हो गया। आगे केबल स्टेड के बाद आता है स्लैब ब्रिजेस। उसमें कहता है कि अ शॉर्ट स्पैन ब्रिज consisting of a reinforced concrete slab resting on abutment। वो कह रहा है कि abutment के ऊपर जो है RCC की जो slab है, कम short span वाले bridges के लिए वो हमारे पास slab bridge कहलाता है। अब ये slabs लगी हुई है देखें तो, ये हमारे पास जो bridge है इसमें slab लगाई गई है, और इसमें हमारे पास जो है short span है, यानी कि अब यहाँ पे ये जो abutment लगी हुई है और ये जो abutment लगी, इनके दरमियान short span है, ये जो supports हैं इनके दरमियान यानी कि फासला कम है, तो फिर हम जो है स्लैब्स लगा दी, RCC की जो बनी होती स्लैब्स हैं वो हम इनके ऊपर अबटमेंट्स के ऊपर रख देते हैं। ठीक है। आगे है बॉक्स गार्डर ब्रिजेस। अब अ बॉक्स गार्डर ब्रिज इज अ ब्रिज इन विच द मेन बीम्स कंप्राइज गार्डर्स इन द शेप ऑफ अ हॉलो ब्लॉक, यानी कि वो कह रहा है कि बॉक्स गार्डर ऐसा ब्रिज होता है जिसमें जो मेन बीम्स होती हैं वो मुश्तमिल होती हैं गार्डर्स पर, जो कि हॉलो बॉक्स की शक्ल के होते हैं। अब इसकी पिक्चर में देख लेते हैं इसको, कि अब ये जो देखें, ये जो गार्डर्स जा रहे हैं ये हॉलो बॉक्स की शक्ल में होते हैं हमारे पास, यानी कि ये अंदर से खोखले होते हैं, तो इस तरह के जो गार्डर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम बॉक्स गार्ड, बॉक्स के जिनकी शेप ही बॉक्स जैसी हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, बॉक्स गार्डर ब्रिजेस। तो ये हमारे पास है बॉक्स गार्डर ब्रिजेस। तो आज की इतनी सी वीडियो थी, अगर आप भाइयों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।